दूर दराज के जंगल में एक शेर रहता था जो तमाम जानवरों पर हुक्मरानी करता था। एक दिन एक हाथी वहां से गुजर रहा था कि शेर ने, जिसे अपने इलाके में किसी गैर की आमद रफ्त पसंद नहीं थी, उस पर हमला कर दिया, मगर हाथी ने उसे पछाड़ दिया और फिर अपनी गर्दन कड़ कर चलने लगा, जबकि शेर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। इसी अस्ना में एक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने अपने पुराने दोस्त शेर को जख्मी हालत में देखा तो उसे उसके हाल पर रहम आया। उसने शेर से जख्मी होने और चोट की वजह पूछी। शेर ने वाकया बताया और लोमड़ी से कहा कि वो उसकी कुछ मदद करे, चूंकि वो अब शिकार करने की सकत नहीं रखता था। शेर ने लोमड़ी से कहा कि मेरे लिए कुछ ताज़ा गोश्त ला दो ताकि उसे खाकर मुझ में दोबारा ताकत आ सके। लोमड़ी ने, जो मक्कारी और अय्यारी में मारूफ है, चापलूसी करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद शेर से कहा, मैं अक्सर अवकात जंगल के किनारे एक गधे को देखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उसे यहाँ किसी तरह ले आऊँ और तुम उस दरख्त के पीछे छुप जाओ और जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तुम उस पर हमला कर दो। और गधे को ढूंढ कर उससे बातचीत शुरू की। उसने कहा, गधे तुम इस कदर कमजोर हो, भला किस तरह पानी की इतनी भारी भारी बाल्टियां उठाते हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है। गधे ने जवाब दिया, हाँ ऐसा ही है, हर एक को अपनी ताकत व तवानाई और अपने हिसाब का काम करना चाहिए, और अगर मैं काम न करूं तो मेरा मालिक मुझे खाना नहीं देगा। लोमड़ी ने कहा, तो तुम इतनी सख्त और कठिन जिंदगी से राजी हो, मुतमईन हो कि मुंह से तुम्हारी आवाज भी नहीं निकल रही है। गधा बोला, यही मेरी किस्मत है और मजबूर हूं कि ऐसा करूं। लोमड़ी ने कहा, क्या बात करते हो, अपनी जिंदगी के सिर्फ तुम मालिक हो, तुम अपने अज़्म हौसले और होशियारी से अपनी किस्मत को संवार सकते हो। गधा बोला, नहीं, तकदीर इन सब बातों से बालातर है, हमें तकदीर के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। लोमड़ी बोली, और भी रास्ते हैं, बस ये कि तुम खूब सोच समझ लो, क्या तुमने कभी जंगल को देखा है? गधा बोला, नहीं, अलबत्ता जंगल और वहां के जानवरों के बारे में बहुत कुछ सुना है। लोमड़ी बोली, क्या तुम जानते हो कि जंगल में तुम्हें क्या क्या चीजें नसीब होंगी? तुम्हें वहां ठंडा पानी, साया, तरोताजा घास और बहुत सारी चीजें हासिल होंगी, गोया तुम बहिश्त में जिंदगी बसर कर रहे होगे। बहरहाल लोमड़ी ने जंगल की इतनी तारीफ की कि गधा जंगल में चलने पर तैयार हो गया और फिर वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। उधर शेर की भूख से हालत खराब थी और वो भूख की वजह से सख्त परेशान था। अचानक उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो उसकी तरफ आ रहे थे। भूख से बेकरार शेर ने, कबल इसके के गधे के पहुंचने का इंतजार करता, उस पर छलांग लगा दी। वो गधे को पकड़ नहीं सका और गधा, जो पहले ही शेर को देख चुका था, जंगल से फरार कर गया। लोमड़ी को सख्त गुस्सा आ रहा था। जंगल तक गधे को लाने की उसकी तमाम कोशिशें बेसुध साबित हुई। शेर को अपनी जल्दबाजी और गलती का एहसास हो गया था। उसने लोमड़ी से माफी मांगी और एक बार फिर लोमड़ी से कहा कि वो दोबारा गांव में जाए और गधे को दोबारा जंगल की सैर कराने के लिए लेकर आए। लोमड़ी ने इस बार भी शेर से अपनी दोस्ती की वजह से उसकी बात मान ली। वो दोबारा गांव में पहुंची। जैसे ही वो गधे के पास पहुंची, फौरन पूछा कि आखिर तुम वहां से भाग क्यों आए? गधे ने जवाब दिया, दफा हो जाओ, जाओ अपना काम करो, तुम मेरी दुश्मन हो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझसे इस किस्म की बात करो। अब मुझसे तुम अपने जंगल की कोई बात न करना। मैं ऐसे खतरनाक जंगल या ऐसी खतरनाक जगह पर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने जब शेर को देखा तो मौत मेरी आंखों के सामने मंडराने लगी। लोमड़ी ने ताज्जुब से पूछा, कौन सा शेर, क्या कह रहे हो? कोई भी गोश्तखोर जानवर इस जंगल में नहीं रहता। मैं तो यही समझती हूँ कि इंसानों की वहशतनाक दास्तानों ने तुम पर इतना असर किया कि तुम हमेशा वहम में मुब्तला रहते हो। मेरे दोस्त, आओ चलें, वहां खूबसूरत गधियां भी तुमसे मिल जाएंगी। तुम फितरत और कुदरत की अताकर्दा नेमतों से खुद को महरूम न रखो। गधा, जो इस बार भी लोमड़ी की मकारियों के झांसे में आ गया था, खुशी खुशी दौड़ता हुआ जंगल में दाखिल हुआ। इस मर्तबा शेर ने, जो पहले चूक गया था, थोड़ा सब्र किया और जब शिकार को अपनी पूरी दस्तरस में देखा तो गधे पर छलांग लगा दी और उसको अपने दांतों से दबोच लिया। गधे ने, जो लोमड़ी की मकारियों को समझ गया था, कहा, यह मेरी खुद की गलती थी, कोई भी अकलमंद दो बार एक ही जाल में नहीं फंसता।